नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा सॉलिड टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपका मंथ ऑफ मई 2018 और कैप्रिकॉन राशि। और आज इस महीने में स्पेशली क्या होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको दूंगा कि अगर आप मेरे साथ लाइव बात करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप मेरे फेसबुक पर, मैं एक लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ जो बुधवार रात 8:30 से 9:30 तक बजे तक होता है, हर बुधवार यूके टाइम के हिसाब से। आप उसमें लाइव मेरे साथ भाग ले सकते हैं, अपना कोई भी एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जो भी समाधान होगा, जो भी उपाय होगा, जो भी दिक्कत होगी, वो आपको सुझाने की समझाने की कोशिश रहेगी। और उम्मीद करता हूँ आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा मुझे कमेंट में मैसेज करते हैं, मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे वो हेल्प चाहिए, आप मुझे ईमेल भी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव कुछ ऐसा किया जाए। और फेसबुक दुनिया भर में आपको पता है, आप उसके माध्यम से किसी से भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया, और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपका राशिफल लेकर तो हाजिर होता ही हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन राशि वालों के साथ कि आखिर क्या है। अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जैसे पता है कि महीने की शुरुआत होगी, आप की राशि में जो ग्रहों की स्थिति होगी वो इस तरह से होगी, केतु आपकी लगन में या आपकी राशि में होंगे, बिल्कुल राहु 180 डिग्री उसके सामने 7th हाउस में होंगे, वहीं मंगल और शनि दोनों ही आपके 12th हाउस में होंगे। और महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आ जाएंगे आपकी राशि में, यानी कि उच्च राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि मंगल के लिए एक उच्च राशि मानी जाती है। वहीं शनि और बृहस्पति हैं बकरी, रेट्रोग्रेड मोशन में है। वहीं चंद्र और बृहस्पति आपके 10th हाउस में रहेंगे, जो कि एक अच्छा शुभ योग इसलिए भी है, गजकेशी योग भी इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में ही होंगे और ये अपने आप में एक कारोबार के मामले में खास विशेष बात रहेगी। उसके अलावा बुध जो आपके 3rd हाउस में होंगे डिवेलप्ड रहेंगे, वहीं शुक्र स्थान में सूर्य की उपस्थिति रहेगी, तो 5th स्थान में होंगे वीनस। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है उस महीने में शुरुआत में जो रहेगी उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जिसके अंदर भीतर जो एनर्जीज जागृत होंगी, पॉजिटिव होंगी, उनको होगा लाभ, और जिनके अंदर उदासीनता होगी, इनकी कमियां होंगी, वो निश्चित तौर पे वो रहेंगे इस महीने में उदास। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करूँ तो केतु का इस राशि में होना अच्छा माना गया है, वहीं मंगल का इस राशि में उच्च माना गया है, तो स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी उम्मीद जो है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या वास्तव में ये जो उम्मीद दिखाई दे रही है वो सही है? उसका एक कारण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंगल केतु के साथ आकर जुड़ेंगे। मंगल और केतु जब भी आपस में जुड़ते हैं, ये बराबर के ग्रह हैं, बराबर के ग्रह होने की वजह से इनमें कई बार ऐसा तकरार हो जाता है जिसकी वजह से कई बार लोग जानबूझकर आपके साथ आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति को जरूर कमजोर करेगा। और इसमें आपको ध्यान देना है कि अपने आप को फोकस रखना है, अपने एम के ऊपर आपको ध्यान देना है, ताकि आप उन चीज़ों से भटके नहीं, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। और वहीं जिन लोगों को डायबिटिक कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है उनको बहुत ध्यान देना होगा सेहत के मामले, जिनको किसी तरह की कोई ब्लड कॉम्प्लिकेशन, ब्लड रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, जिनको जॉइंट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, उनको विशेष तौर पर इस समय के दौरान ध्यान देना होगा। ये महीना आपकी हेल्थ के मामले में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन लेके आ रहा है, और जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों से उनको थोड़ा सावधान रहने का, अन्यथा इसके अलावा सेहत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और मैंने पिछले दिनों में कहा था और वो बात मैं आज फिर से कहूँगा, आप मुकद्दर का सिकंदर हैं, आप अपने मुकद्दर को अपने हाथों से लिखते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब मंगल आपकी राशि को पकड़ेंगे, जैसे ही परिवर्तन लेंगे, तो ये मुकद्दर का सिकंदर जो है वो जागृत हो जाएगा और ये महीना आपके लिए एक बेहतरीन महीना हो जाएगा। और ये महीना विशेष तौर पर आपके ऊपर एक विशेष कृपा लेकर आ रहा है, इवन दो आप ये कहें कि शनि वक्री हैं, शनि के वक्री होने से कोई भी विशेष प्रभाव आपकी राशि के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो स्वास्थ्य के मामले थोड़ा सावधान, लेकिन कुल मिला के एक अच्छी स्थिति। अगर मैं बात करूँ आपके सेकेंड हाउस की, सेकेंड हाउस में हम देखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप देखते हैं, फैमिली के साथ संबंधों को देखते हैं, और वहीं देखते हैं आपका बैंक बैलेंस, धन, ये धन भाव है, तो इसमें आपका कैश मनी, बैंक डिपॉजिट क्या होगा, आपकी पॉकेट में क्या होगा, सेविंग कैसी रहेगी उसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि आपके सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है,
और शनि इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपकी राशि के साथ, और शनि चले गए हैं 12th हाउस में, तो इसका मतलब है खर्चे। और दूसरा घर परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो इसका मतलब पारिवारिक खर्चे। तो ये परिवार, परिवार के समागमों में जुड़े हुए खर्चे को दिखाता है। इसका मतलब है कि जो पैसा आ रहा है, आने की उम्मीद है, उसमें साथ में खर्चे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट से इनकम को बनाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वहीं सेकंड हाउस का लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना एक बार फिर से एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को खुश करने के चक्कर में, जहां बैंक बैलेंस कम होगा, वहीं वो लोग शायद आपको एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई लाभ तो उनसे ज़्यादा मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी कहते हैं कि जब पानी में रहना हो तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जा सकती, उससे दोस्ती बना के रखनी पड़ती है। तो इस समय कुछ हालात आपके भी ऐसे ही हैं, बस आपको इनसे अपनी समझदारी के साथ निभाना होगा। यही कहूँगा कि कछुए की चाल चलते रहिए, समय एक दिन आपके करवट लेगा। और क्योंकि आप इस समय मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे, हिम्मत आप में बखूब बनी रहेगी और इसका पूरा लाभ आप लेंगे। अगर रिश्तों में ही हम आगे बढ़े तो सिबलिंग, 3rd हाउस में सिबलिंग देखे जाते हैं, वहीं आपका एक्शन कैसे रहेगा, उसका बहुत बड़ा योगदान जो है आपके जीवन में रहता है। जब मैं उसको देखता हूँ तो आपके 3rd हाउस में 3rd घर में है बुध, जो नीच राशि में बैठ गए। इसका मतलब पराक्रम आप बहुत कर रहे हैं, शायद जरूरत से ज़्यादा करने की कोशिश होगी, लेकिन किसके लिए, खुद के लिए या दूसरों के लिए, क्या दूसरों को खुश करने की, जैसे पहले सेकंड भाव में किया। ऐसा ही कुछ संबंध आपके बहन भाइयों से भी आपको मिलने वाला है, वो लेंगे आपसे पूर्ण लाभ, आप उनको लाभ देंगे, लेकिन क्या आपको उनसे लाभ मिलेगा? जी नहीं, तकरार मिलेगी। आप उनका अच्छा चाहते हैं, दिल से अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो लोग शायद इस बात से ना खुश हैं, शायद वो सोचते हैं कि नहीं नहीं आप तो अपने मतलब के लिए कर रहे हो, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी सेहत को ख़राब करके, दिन रात काम करके भी अगर आपको परेशानियाँ ही मिलनी है, तो आप उस तरफ से थोड़ा ध्यान हटा के खुद के ऊपर फोकस होए, अपने ऊपर ध्यान दें, ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे लाभ की स्थितियाँ मिलेंगी। आपके एक्शन को बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ जोश के साथ होश का काम लेना बहुत 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 जरूरी रहेगा इस समय के दौरान। तो ध्यान दीजिएगा, सुख शान यानी कि मातृत्व से, माँ से बड़ा सुख संसार में कोई नहीं, माँ की गोद का सुख, शायद ये वो स्वर्ग का अनुभव है जो हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि स्वर्ग हमें मिलता है और वो होता है माँ की गोद, वो जमाना जिसको हम याद करते हैं कि लौटा दे कोई मुझे मेरे बीते हुए दिन। तो यही बात आपके ऊपर अप्लाई करती है, निश्चित तौर पर आपको थोड़ा ध्यान तो देना होगा। और सुख स्थान में आपके एक बार फिर से मैं कहूँगा सूर्य, उच्च के सूर्य आपके सूर्य जो है आपके सुख स्थान में, इसका मतलब कि आपको माँ से संबंधित चीजों का सुख मिलने वाला है। घर के अंदर आप एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर की साजो सजावट कुछ अच्छी तरह से हो जाए, वहीं माँ का प्यार आपको मिले। लेकिन माँ कई बार गुस्से वाली स्वभाव की होती है, भाई सूर्य के गुण आ गए हैं उसमें, क्या करें, सूर्य तो तपता हुआ है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, आपको बात सुननी होगी, बात सुनेंगे तो निश्चित तौर पे वर्षा जरूर होगी और सुख की वर्षा होगी। तो कुल मिला के इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थिति कहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि माता की कोई जर्नी जो है अचानक से हो सकती है, उन्हें कहीं किसी कारणवश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और या फिर आपको और उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ सकता है। जो भी हो, एक अच्छे संबंधों को बनाए रखने में ही लाभ होगा। बात करूं 5th हाउस की, संतान बहुत बड़ा, हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर जिसको हम कह देते हैं, वो है हमारी संतान, उसके ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो आपके पंचम भाव में इस समय जब मैं कुंडली देखता हूं, एक दो तीन चार पाँच यानी कि वीनस कुटुंब का मालिक, नेचुरली कुटुंब का मालिक है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ, तो संतान के सुख, संतान के रास्तों में तरक्की के दरवाजे खोल देने वाला, जिनके संतान नहीं उनको संतान प्राप्ति का योग होगा। आपको अच्छा समाचार मिलेगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब हो रही हैं। जो पहले से ही जिनके पास संतान है, संतान बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है और संतान से लाभ मिलेगा। संतान को विशेष तौर पर उनके कामकाज को लेकर आपको जो चिंता है वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही संतान की हेल्थ का जरूर कुछ हल्का फुल्का, जिनको मौसम के हिसाब से हे फीवर हो गया या और चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो गई, ये जरूर एक चिंता की बात बच्चों की ओर से आपको देखने को सुनने को मिल सकती है।
तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा है। रिश्तों में अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो सबसे अच्छा रिश्ता माँ के बाद अगर कोई होता है, माता पिता के बाद, वो होता है अपने जीवन साथी का। तो आपके सेवंथ हाउस को जब मैं देखता हूँ तो राहु है वहाँ पर, और राहु की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये यह होगी कि राहु अपने राशि लॉर्ड, यानी कि सेवंथ हाउस का जो राशि लॉर्ड है, वो अपने ही घर से ऐसे एंगल में बैठ गया है जहाँ पे उसका संबंध जो है, उसकी दृष्टि जो है, उसका बैलेंस जो कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। जैसे कहें कि एक बैंड पे जाके हम खड़े हो जाते तो हमें रोशनी नजर आती है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्थान जो है वो दिखाई नहीं देता। तो यही कहीं स्थिति हो गई है। तो यहाँ रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो करे पहले वो करे, इस चक्कर में आप बैठे रहें और समय निकल जाए और फिर आर्गुमेंट में बात बन जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें और अपनी तरफ से कोशिश करें, सामने से कोशिश की अपेक्षा करने से अच्छा है कि आप पहला एक कदम उठाएं। शादी के लिए ये समय मैं कहूँगा ठीक नहीं है, लेकिन ये संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्तम समय आप लोगों के लिए हो सकता है। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं वो एक बेहतरीन स्थितियाँ जो है इस समय मैं देख रहा हूँ, जिनका लाभ आपको मिलेगा और उसका पूर्ण लाभ आप कहीं ना कहीं ले पाएंगे। अब आ जाए लौट के कि आप घर गाड़ी अगर आपको चाहिए, किस तरह से उसका संबंध आपके रहेगा। तो जब मैं घर गाड़ी की बात देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जी हाँ, ये संबंध आपके लिए बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पे प्रॉपर्टी से किसी तरह का लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कहीं मूव होना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ आपकी अच्छी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचकर आपके पास है उससे बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम स्थिति आपकी होगी, और इसमें आपकी 10 उंगलियां जैसे कहते हैं घी में, उस तरह का ये महीना आप लोगों के लिए रहेगा और इसका पूरा आनंद जो है आप लोग लेंगे। वहीं गाड़ी के मामले में कहूँगा, गाड़ी का सिलसिला एकदम बेहतर है, लेकिन वक्री शनि आपका राशिपति थोड़ी सी वीक अवस्था में आ गया है। सारसदी का प्रभाव भी आपके ऊपर है। आपकी जन्म कुंडली बहुत मैटर करती है स्थिति में। गाड़ी लेते वक्त हमें बहुत कुछ सोचना होगा और उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखवा लेना ही फायदेमंद होगा। उसके ऊपर मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ आपके जॉब और आपके बिजनेस की, आपके कंपटीशन की, आपकी इंटरव्यूज़ की, क्या होगा उसमें, तो उसमें सबसे पहले मैं आपके करियर को, प्रोफेशन को देखना चाहूँगा। तो उसमें जब मैं देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि प्रोफेशन वाइज, करियर वाइज जो स्थितियाँ हैं इस समय वो बेहतरीन दिखाई देती हैं। कारण उसके पीछे एक सीधा सा है कि चंद्र और बृहस्पति दोनों ही आपके 10th हाउस में, दोनों का 10th हाउस में होना मतलब गज केशरी योग और बृहस्पति की दशा में ही ये महीने की शुरुआत होगी। तो प्रोग्रेसिव मंथ आपके काम काज के मामले में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपके लिए रहेगा और उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा और उससे आप धन अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत एक अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बनी हुई है। वहीं अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन की बात, किसी तरह का एग्ज़ाम में कंपटीशन है, इंटरव्यू में कंपटीशन है, किसी खेल कूद के मैदान में कंपटीशन है, आपके लिए सफलता मिलेगी, लेकिन आपको भरपूर प्रयास साथ में करने होंगे। अगर आपने प्रेजेंट में प्रयास नहीं किया और आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं तो निश्चित तौर पे आपको असफलता हाथ लग सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि समय पर चीज़ों का होना करना और उसको एक बार फिर से एक्सरसाइज कर लेना बहुत अच्छा होता है। समझ में आता है कि आप उसके, आपकी पकड़ अभी भी उसके ऊपर है। तो पास्ट के एफर्ट जो हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में उनको एक बार टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। जैसे हम मॉक टेस्ट जो है वो करते हैं, तो इसी तरह से हमें मॉक टेस्ट की तरह ही इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। और कुल मिला के ये स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। अगर मैं घर गाड़ी की बात करता हूँ और जगह, तो उस सब के लिए हमें धन चाहिए। जब धन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेकेंड हाउस शनि बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो धन की स्थिति कैसी रहेगी। जब मैं उसको देखता हूँ तो कहीं ऐसा समय में आता है कि आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपकी इनकम जो है वो स्टेबल है, वो बनी हुई है, इसलिए इनकम आपके पास पर्याप्त मात्रा में आती रहेगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। उससे आप अपने धन का संचय करने में, और जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी को सेल करके एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आ सकती है, उसके विशेष तौर पे योग जो है आप लोगों के लिए बने हुए हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति जो है धन के मामले में आप लोगों के लिए बनी हुई है। जब मैं ये कहूँ कि भाई आपसे लोग जेलस हैं, आप अपनी मेहनत करके अपने आप को बनाने में लगे हैं और लोग सिर्फ जल जल कर मरना चाहते हैं और कुछ नहीं है, वो बस जेलस है आपसे, तो आप उनकी ओर ध्यान ना देखें, अपने अपने एम की ओर, जो आपका
टारगेट है उसकी ओर आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पे ये महीना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन महीना हो जाएगा। और वहीं शनि का 12th हाउस में होना ये विदेश यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का सूचक भी है। बिजनेस से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं, वैसे ही किसी प्लानिंग की कोई यात्रा आ सकती है, किसी विदेश से कोई समाचार जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, चाहे वो पैसे का ही पार्टिसिपेशन, आप जहां बैठे करें कुछ करने का अवसर मिल सकता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूं कि अगर इस समय के दौरान हो सकता है तो आप छोटी बच्चियों का आशीर्वाद साथ में लेते रहें तो ये महीना आपके लिए एक बेहद सुकून भरा और खुशहाली भरा महीना आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। तो कुल मिला के ये कहूंगा कि स्थितियां बेहतर है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि YouTube पे तो आप मेरा ये मंथली फॉरकास्ट देखते ही हैं, साथ ही साथ मैंने हर बुधवार Facebook के ऊपर भी एक लाइव प्रोग्राम मैंने शुरू कर दिया है देना, जो 8:30 से 9:30 हर बुधवार रात होता है, और UK टाइम के हिसाब से अगर आपका कोई भी सवाल है, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना ना भूलें, मुझे ज्वाइन करें फेसबुक लाइव प्रोग्राम में 8:30 से 9:30 UK टाइम के हिसाब से। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, औरों को भी बताएं ताकि ये अमूल्य जानकारी जो है उनको मिल सके। मिलूंगा और बात करूंगा आपसे अगले महीने के राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।